हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, सो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा, देखो बेसिकली अभी हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में हमारा क्या रहेगा कि जो भी डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन होंगे थियरी होगा, दैट विल बी क्वेश्चन जो होंगे वो इनडेफिनेट के ही होंगे, बस उसमें क्या होगा हमारा लिमिट्स आ जाएगा बस। ठीक है ना, फिर कोई बोलेगा कि सर ऐसा क्यों है, फिर इंडेफिनेट को मतलब हम इंडेफिनेट की तरह ही सॉल्व कर लो, बाद में लिमिट लगा दो, तो फिर इसमें अलग चैप्टर कैसे हुआ। तो अलग चैप्टर, इसकी खासियत जो है, इसकी जो स्पेशलिटी है, दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो नॉन इंटीग्रेबल होंगे, मतलब उनका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, बट हम डेफिनेट निकाल सकते हैं। ठीक है ना, यूजिंग द प्रॉपर्टीज। तो वो सब चीज आगे की क्लासेस में आएंगी। अभी की क्लासेस में हमारा क्या होगा कि हम जो भी क्वेश्चंस दिए होंगे उसको इंडेफिनेट की तरह सॉल्व करेंगे और सिंपली वील पुट द लिमिट्स, और कुछ नहीं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद इट। मैंने बोला लेट, या फिर ऐसे लिख लो, इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस सी, ये तो मेरा क्या हो गया इंडेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया एफ एक्स का। जी एक्स को क्या बोलूंगा मैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, या फिर बोल दो प्रिमिटिव या फिर एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो ये चीज तो इंडेफिनेट हो गई। अब मैं इसमें क्या ऐड करूं, देखना ध्यान से, कि अगर ऐसा है लिख लो, लेट ही कर लो इसको, लेट इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज जी एक्स प्लस सी। अब देखो, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन द क्लोज इंटरवेल ए कॉमा बी, इन द क्लोज इंटरवेल ए कॉमा बी, देन, वैसे ये ओपन होगा तो भी चलेगा, वो बाद में बताऊंगा मैं। ठीक है ना, मैंने बोला इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवेल ए कॉमा बी, देन द इंटीग्रेशन ए, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड डेफिनेट, इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन, इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स बिटवीन द लिमिट्स ए एंड बी, बिटवीन द लिमिट्स, लिमिट्स ए एंड बी। ठीक है, दैट इज मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, और इवैल्यूएट कैसे करेंगे, ए टू बी, एंड दिस इज गिवन बाय जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। ठीक है ना, वेयर ए इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, लिखते जाना तुम। ठीक है ना, अब हम क्वेश्चंस पे आएंगे, एंड दिस बी इज कॉल्ड अपर लिमिट। एक बार रीड करते क्या लिखा, लेट एफ एक्स, लेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज जी एक्स प्लस सी विच इज इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, ये तो गया इंडेफिनेट का पार्ट। उसमें बोला अब इस एक्स्ट्रा क्या है कि एफ एक्स अगर कंटिन्यूस है ए टू बी में, देन दिस इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स बिटवीन द लिमिट्स ए एंड बी, और गिवन बाय ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स ए टू बी जी बी माइनस जी ऑफ ए। तो हमारा मेन, इस पूरे जो भी बोर्ड पे अभी एट प्रेजेंट लिखा है, इसमें मेन डेफिनेट, मेन जो चीज है वो ये चीज है। ठीक है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंटिन्यूस नहीं है तो क्या हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, करेंगे, वो हम बाद में सीखेंगे। ठीक है ना, उसमें ब्रेक करना होता है डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट पे, बट फॉर टाइम बीइंग इतना याद रखो कि किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन है जी एक्स प्लस सी, इंडेफिनेट में तो कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यूस हो नहीं हो हमें कोई मतलब नहीं है। बट अगर मान लो मुझे ए टू बी उसको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करना है, तो उसके लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि जो अंदर फंक्शन है दैट हैज टू बी कंटिन्यूस। ठीक है, चलो अब इसके आधार पर छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कंटिन्यूस वाले पॉइंट पर अंडरलाइन कर लेना, ठीक है ना, एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन ए कॉमा बी। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना है, जो मैंने देखा जी एक्स था एफ एक्स का, बस उसमें बाद में आखिरी में लिमिट रखना है ए टू बी, और उसमें उसका उसका वैल्यूएट कैसे करते हैं, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, जी ऑफ अपर लिमिट माइनस जी ऑफ लोअर लिमिट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा, मैंने लिखा ए की पावर एक्स डी एक्स इवेल्यूएटेड फ्रॉम जीरो टू वन, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन निकालेंगे। मैंने बोला अभी जो भी हम क्वेश्चन देखेंगे उसमें मोस्टली क्या होगा
कि हम सबसे पहले इसको एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह ट्रीट करेंगे, उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसमें लिमिट्स लगा देंगे, ठीक है ना। तो e की पावर x dx का इंटीग्रेशन इज e की पावर x प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। चलो अगर ये नहीं भी लगाओगे तो चलेगा डेफिनेट में, क्यों? क्योंकि जब मैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखूंगा तो ये चीज चेंज करेगी, सी तो हमेशा दोनों में सेम आएगा तो सी सी कैंसिल हो जाएगा, तो इट्स बेटर डोंट राइट सी हियर। तो ये हो जाएगा 0 to 1। अब इसमें क्या करना है हमें, जी ऑफ दिस इज माई जी ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा, पहले 1 रखूंगा इसमें तो e की पावर 1 माइनस, फिर b रखूंगा तो e की पावर 0, सो दिस इज e माइनस 1। ऐसा नहीं करना है बच्चों कि तुम लोग, ये तो करेक्ट वे लिखा मैंने, बहुत से लोग जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, वो जो x जहां होता है ना वहां 1 माइनस 0 लिखते हैं, तो ये रॉन्ग हो गया। समझ में आया क्या बोला मैंने? इधर हमें क्या लिखना है, पहले जो भी एक्सप्रेशन आया उसमें पहले अपर लिमिट रखी, इवेल्युएट किया माइनस, फिर जो जो एक्सप्रेशन आया था उसमें फिर लोअर लिमिट रखी और उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, मैंने लिखा 0 to 2, लेट से पाई बाय 2 साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स, तो क्या करें, साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स। नाउ इवेल्युएटेड फ्रॉम 0 to π/2, तो देखो अब कैसे करेंगे, मैंने बोला ये मेरा पूरा इंटीग्रेशन है इसका साइन एक्स का, तो इसके अंदर पहले अपर लिमिट रखा तो माइनस ऑफ कॉस पाई बाई 2 इज 0, माइनस ऑफ, अब 0 रखेंगे तो माइनस ऑफ कॉस 0 इज माइनस 1, तो माइनस 1 दिस विल गेट इज 1, ठीक है। अच्छा इसको ना, जैसे अभी तो मैं बताऊंगा इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन बेसिकली मींस एल्जेब्रिक एरिया, ठीक है ना, वो भी हम आएंगे उस पॉइंट पे, बट फॉर टाइम बीइंग इसको हमने याद रख लिया क्योंकि बहुत जगह काम आएगा ये, स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखेंगे 0 to π/2 sin x dx is 1, क्योंकि इसका मतलब मैंने बताया ना अभी, जैसे आगे चल के देखेंगे एरिया होता है, तो ये एरिया क्या है, मतलब जो 1 आया वो आया क्या बेसिकली दिस एरिया, अभी आगे जाके हम देखेंगे ये चीज। तो तुम लोग कैसे याद रखो कि जो भी sin x cos x होता है ना उसकी एक साइकिल का एरिया 2 यूनिट्स होता है, ऐसे याद रख लो नोट करके, दिस एरिया इज 2 यूनिट्स, क्योंकि हमने 0 to π/2 देखा तो 1 यूनिट आया ना, तो इतना एरिया 1 है, बट हाफ साइकिल का क्या होगा, दैट इज नथिंग बट 1/4 साइकिल ना, उसका एरिया 1 आ रहा है, तो इधर से इधर तक पूरा एरिया कितना आएगा 2 यूनिट्स। तो अभी हम इसको और डिटेल में देखेंगे, बट फॉर टाइम बीइंग यू जस्ट मेमोराइज की 0 to π/2 इंटीग्रेशन sin x dx इज 1, सिमिलरली cos x ऑल्सो, ठीक है ना। जैसे मैंने cos x का लिखा 0 to π/2 cos x dx, तो मेरा क्या हो जाएगा sin x इसका इंटीग्रेशन, फिर इवेल्युएटेड फ्रॉम 0 to π/2, तो π/2 पहले रखेंगे, sin π/2 इज 1, माइनस 0 रखेंगे, sin 0 इज 0, सो यू विल गेट 1, ठीक है। और देख लेते हैं एक दो एग्जांपल्स। तो कुछ नहीं, अभी तक हमने यही देखा है कि जो इंडेफिनिट करना है हमें उसमें क्या करना है, पहले इंडेफिनिट की तरह सॉल्व करना है, बाद में हमें बस आखिरी में लिमिट रखना है, मतलब पूरा काम हमारा अभी तक इंडेफिनिट पे बेस रहेगा, ठीक है। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने लिखा इंटीग्रेशन x e की पावर x dx evaluated from let's say 0 to 1, ठीक है। तो इसको कहते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, हम इंडेफिनिट की तरह सॉल्व करेंगे, डिसिमिलर फंक्शन है, बाय पार्ट्स लगाते हैं, e की पावर सॉरी x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन मानेंगे इसको, इसको सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर x ही रहेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। अच्छा एक चीज और, जब बायपास लगा रहे तो अंदर हमें लिमिट्स नहीं रखना है, अभी अंदर वाले इंटीग्रेशन में, इस पूरे वाले में रखना है लिमिट्स, ठीक है ना, ये चीज याद रखना, यही बच्चे लोग को थोड़ा गड़बड़ करता है। जैसे e की पावर x लिखा क्या बेसिक, मैंने ऐसे लिखा ना 0 to 1, मतलब इधर एक इंटीग्रेशन आया था ना e की पावर x का, तो उधर लिमिट्स नहीं रखना है, उधर हमें लिमिट्स नहीं रखना है, फाइनल आंसर में लिमिट रखना है, मतलब ये वाले इंटीग्रेशन में। तो ये हो जाएगा मेरा 0 to 1, तो फाइनली x e की पावर x माइनस e की पावर x इवेल्युएटेड फ्रॉम 0 to 1, या तो अलग अलग करके लिख दो या फिर इस कंबाइन को एक फंक्शन मान लो वैसे रख दो, तो व्हेन यू विल पुट 1 व्हाट यू विल गेट हियर इज, एक मिनट करेक्ट लिखा है, ठीक है, तो 1 रखा तो क्या आएगा e माइनस e 0 माइनस, फिर 0 रखेंगे तो ये 0 माइनस 1, सो फाइनली विल गेट इज 1, ठीक है, द आंसर इज 1 फॉर दिस। चलो और देखो, जैसे मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x sin x dx, करो एक बार, करो जल्दी फास्ट, अगेन क्या करें, बायपास लगाते फर्स्ट फंक्शन इसको, इसको सेकंड फंक्शन, ठीक है। अच्छा फिर इंटीग्रेट करते हैं, तो sin x
फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज, तो इसको इधर लिख रहा हूं मैं इस साइड, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डायरेवेटिव वन इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स, तो ये प्लस कॉस एक्स हो गया डीएक्स. वेल ठीक है ना, मैंने बोला सबसे पहले तुम पूरा सिंप्लीफाई करके इंडेफिनिट की तरह सॉल्व कर लो, उसके बाद आखिरी में लिमिट्स पे आना. ठीक है ना, अभी लिमिट्स अंदर मत लगा देना, इधर जो अंदर जो हमने जो cos x लिखा है उधर 0 टू 1 मत लगा देना. ठीक है ना, गड़बड़ हो जाएगा. पहले इसका पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकाल के उसके बाद लिमिट्स रखेंगे हम. तो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन इज साइन एक्स. नाउ वी विल पुट द लिमिट 0 टू 1. सो व्हेन यू विल पुट 1 हियर, व्हाट यू विल गेट हियर इज माइनस कॉस 1 प्लस साइन 1 माइनस 0 रखोगे तो ये 0 प्लस 0, तो फाइनली आंसर यू विल गेट साइन 1 माइनस कॉस 1. ठीक है ना, साइन 1 माइनस कॉस 1, दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी बिकॉज 1 इज इन रेडियन ना. तो 1 क्या हो गया 57 डिग्री के आसपास होता है, तो हमारा 45 के बाद तो साइन ऊपर चला जाता है ग्राफ्स में. 45 डिग्री के बाद ये साइन एक्स है, ये कॉस एक्स है, तो 45 के बाद इधर आएगा 57, 45, तो साइन एक्स का ग्राफ जो है ऊपर है, तो इसका मतलब साइन वन इज ग्रेटर देन कॉस वन, दिस हैज टू बी पॉजिटिव. वो वैसे भी होना चाहिए, मैंने इसलिए एक्स्ट्रा बताया ये, क्योंकि अभी हमने देखा ना कि बेसिकली ये एरिया रिप्रेजेंट करता है. ठीक है ना, अब मुझे पता है एक्स साइन एक्स जो है दिस इज अ पॉजिटिव फंक्शन फॉर दिस इंटरवल 0 टू 1, हैंस जो आंसर आना चाहिए इट हैज टू कम पॉजिटिव. ठीक है ना, इट हैज टू कम पॉजिटिव, तो यू कैन वेरीफाई दैट ऑल्सो. तो क्लियर हुआ अभी तक? अभी तक हमने कुछ ऐसे खास देखा नहीं है, बस एक चीज इंपॉर्टेंट देखी थी उस डेफिनेशन में, दैट इज इंटीग्रेशन जब हम लगा रहे हैं कौन सी फैक्ट. देखो, जो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस सी, इसको तो हम हमेशा लिख सकते हैं, बट मैंने बोला कि अब लिमिट्स लगाना है मुझे. देखो, दिस इज ऑलवेज वैलिड, एफ एक्स कंटिन्यूस हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, ये तो इंडेफिनेट की तरह हो गया. जब मैंने बोला कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, ये पार्ट जो है ना, ये लिखना कब वैलिड है? ओनली इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस. ठीक है ना, जी एक्स डिफाइन फ्रॉम बी टू ए टू बी, ये लिखना कब वैलिड है? जब एफ एक्स कंटिन्यूस हो. तो इस पॉइंट पे मैं बहुत स्ट्रेस दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है ना, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर, डिसकंटिन्यूस होगा तो क्या दिक्कत होगी. ठीक है ना, उसको समझेंगे हम. तो इसको मैं रैप कर रहा हूं, वीडियो पॉज करो, कॉपी करो. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, जैसे इंटीग्रेशन भी क्या होता है कि हम की जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स होती है बाय डिफॉल्ट दे आर द लिमिट्स ऑफ लिमिटिंग वेरिएबल या डिफरेंट मतलब इंटीग्रेटिंग वेरिएबल, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंट इंटीग्रेट कर रहे हैं उसकी लिमिट्स होती हैं बेसिकली. जैसे मैंने जैसे हम जो लिख रहे हैं ना, जैसे मैंने लिखा एक्स डी एक्स जीरो टू वन और लिखा ये लिखा है, चलो तो ये जीरो और वन है क्या बेसिकली? ये दीज आर द वेरिएबल लिमिट्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ द इंटीग्रेटिंग वेरिएबल. और इधर इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है? एक्स, बिकॉज डी एक्स लिखा है ना. अगर जैसे मान लो ये डी ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा होता है इधर एक्स इंटू जीरो टू वन, अब मेरी जीरो और वन क्या होती? एक्स की वैल्यूज नहीं होती, एक्स स्क्वायर की वैल्यूज होती. तो इसको एज ए पॉइंट करके लिखो, फिर मैं और इलस्ट्रेट करता हूं. मैंने बोला बाय डिफॉल्ट द लिमिट्स आर द वैल्यूज ऑफ लिमिट, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट आर बेसिकली द वैल्यूज ऑफ इंटीग्रेटिंग वेरिएबल. लिख लो बाय डिफॉल्ट, इसका मतलब भी बताऊंगा. बाय डिफॉल्ट मतलब क्या है कि वो अलग से स्पेसिफाई कर देगा तो बात अलग है, बट अगर उसने कुछ मेंशन नहीं किया तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होंगी? बेसिकली दे आर द वैल्यूज ऑफ इंटीग्रेटिंग वेरिएबल. तो लिख लो बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट द लोअर लिमिट, द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, एंड अपर लिमिट आर वैल्यूज ऑफ इंटीग्रेटिंग वेरिएबल, आर वैल्यूज ऑफ इंटीग्रेटिंग वेरिएबल. सुना, चलो इसको एक और एग्जाम्पल समझते हैं. मैं लिखा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी ऑफ एल एन एक्स, देखना ध्यान से. मैंने लिखा लेट्स से 1 to 2, सुनो ध्यान से सुनो. अब इसने क्या बोला कि जो लिमिटिंग वैल्यू, वो जो लिमिट्स है ना, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, दे आर बेसिकली द वैल्यूज ऑफ लिमिट इंटीग्रेटिंग वेरिएबल. लिमिट निकल रहा है बार बार, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल. तो इंटीग्रेटिंग इधर वेरिएबल क्या है मेरा? एल एन एक्स, नॉट एक्स.
तो इसको अगर मैंने ऐसे सॉल्व किया ना, देखना ध्यान से, अगर मैंने ऐसे किया 1 to 2, और एक चीज और मुझे पता है कि ये हम उस देखे थे डिफरेंशिएशन, डी ऑफ एफ एक्स क्या होता है, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, तो इस आधार पे मैंने ये तो एक्स स्क्वायर लिखा है, और डी ऑफ एल एन एक्स क्या हो जाएगा, 1/x dx, अगर इस अगर किसी ने इसको ये इसके बराबर लिख दिया तो ये वो गलत लिख रहा है, बिल्कुल रॉन्ग है ये। क्यों भाई क्यों रॉन्ग है? इसलिए रॉन्ग है क्योंकि इसको देख के तो मैं क्या बोलूंगा, 1 and 2 आर द वैल्यूज ऑफ एल एन एक्स, और इसको देख के मैं क्या बोलूंगा, 1 and 2 आर द वैल्यूज ऑफ एक्स। सो ऐसा नहीं कि ये लिखना गलत है, ये लिखना बिल्कुल करेक्ट है, बट अब इधर मुझे लिमिट्स चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये किसकी थी, एल एन एक्स की थी, तो एल एन एक्स अगर 1 है तो एक्स मेरा क्या होगा, ई, तो इसको मैं ई लिखूं, पहले एक काम करो तुम ऐसे लिख लो, क्रॉस कर दो, उसके बाद चलो मैं ही लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ई टू ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 1/x dx, ये करेक्ट लिखा है, ठीक है, ये करेक्ट लिखा। हाँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो अगर मैंने ऐसे लिखा ना, एक्स स्क्वायर इंटू 1/x dx, और इधर मैंने लिख दिया अलग से ln x is equal to 1 से ln x is equal to 2, तब बिल्कुल करेक्ट है, समझ में आया? इसलिए बोला है उसने कि by default the lower limits and upper limits are the values of integrating variable, by default मतलब इधर कुछ mention नहीं किया limits के ऊपर, जैसे इधर तो लिखा है कि भाई ln x is equal to 1 से ln x is equal to 2 तक, तो अब हम डिफॉल्ट वाला यूज नहीं करेंगे, अब 1 एंड 2 आर नॉट द वैल्यूज ऑफ इंटीग्रेटिंग वेरिएबल, अब वो एल एन एक्स, क्योंकि इसने अलग से स्पेसिफाई कर दिया है, समझ में आया? एक बार और बताता हूं, देखो क्या बोल रहा है वो, कि अगर मान लो सिंपली ऐसे ले रखा है 0 to 1 x d of x square, तो जो भी दिया मतलब, तो हमें जो लिमिट्स है ना, लोअर लिमिट्स एंड अपर लिमिट्स, दे आर द वैल्यूज ऑफ इंटीग्रेटिंग वेरिएबल, और इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या होता है, जो डी के साथ लिखा होता है, जो डी के साथ लिखा होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार मैंने ये एग्जांपल लिया, मैंने बोला कि 1 से 2 x square d of ln x दिया है, ठीक है। सो ये जो 1 और 2 है ना, लिख लो इधर तुम, 1 and 2 आर द वैल्यूज ऑफ ln x, नॉट x, इधर लिख लो, स्पेसिफाई करो। तो इसको मैं ये नहीं लिख सकता, बिकॉज इसको देख के तो ये होगा कि 1 and 2 आर द वैल्यूज ऑफ x, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसे लिखना है तो मुझे इधर x की लिमिट्स डालनी पड़ेंगी, तो x की लिमिट्स आर व्हाट, ln x 1 है तो x का वो x क्या होगा, e होगा, ln x 2 है तो x क्या होगा, e स्क्वायर होगा। सो दिस इज द करेक्ट राइट रिटर्न। हाँ, ऐसे अलग से स्पेसिफाई कर सकते हो इसको, अगर मान लो तुम्हें ऐसे ही लिखना है 1 और 2 ही यूज करना है, तो यू शुड राइट द वेरिएबल किसकी वैल्यूज है ये अलग से। अगर तुमने केवल ये लिखा, ये हटा दिया ln x 1 और ln x 2 हटा दिया, अब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अब इसका मतलब होगा 1 एंड 2 आर द वैल्यूज ऑफ x, नॉट ln x। तो यू कैन राइट इट लाइक दैट वे, ln x is equal to 1 से ln x is equal to 2। आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत स्ट्रेस दिया। जैसे एक और छोटा सा देख लेते एग्जांपल, वीडियो को पॉज करो, पहले इसको कॉपी करो, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट द लोअर एंड अपर लिमिट्स आर द वैल्यूज ऑफ इंटीग्रेटिंग वेरिएबल, ठीक है ना। हाँ, अलग से मेंशन कर दे तो वो बात अलग है, ठीक है ना। जैसे एक और देख लेते हैं, मैंने लिखा इंटीग्रेशन 0 to 1 sin x d of sin x, अच्छा जी, तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, एक काम करते हैं इसको ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिख लिया, एक मिनट, ठीक है। अब हम क्या करें, अब ये इसने अगर ऐसे नहीं भी लिखता, चलो छोड़ो इसको, नहीं भी लिखते हैं, ऐसे नहीं भी लिखते हैं, मैंने बोला अगर ऐसा नहीं भी लिखा तो ये 1 और 0 क्या है, बेसिकली 1 और 0 दे आर द वैल्यूज ऑफ साइन एक्स, नॉट एक्स, ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे फिर हम, नहीं तो चलो ठीक है, तो इसको मैंने लिखा साइन एक्स, और डी ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स डी एक्स। अब मैं लिमिट चेंज हो जाएंगी, या तो ऐसे लिख लो, हाँ ऐसे लिख सकते हो, साइन एक्स इज इक्वल टू 0 से साइन एक्स इज इक्वल टू 1, दिस इज करेक्ट वे रिप्रेजेंटेशन। बट अगर तुम्हें ये साइन एक्स मेंशन नहीं किया तब ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मान लो तुम्हें एक्स मेंशन करना है, तो ये तो हो गया चलो साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, तो इधर तुम्हें एक्स की वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी। तो साइन एक्स 0 कब होता है,
एक्स इक्वल टू एन पाई पे, तो अब इसमें क्या करेगा वो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देगा सो दैट हम पर्टिकुलर इंटरवल ले, लेट्स से उसने बोल दिया कि एक्स बिलोंग्स टू द लेट्स से जीरो टू टू पाई, सपोज जीरो से टू पाई में एक ही बार वन होगा जीरो होगा, ठीक है ठीक है, जीरो टू पाई कुछ भी एक इंटरवल दे देगा सो दैट कि ये एक फिक्स नंबर आएगा, नॉट द मल्टीपल ऑप्शन, बिकॉज साइन एक्स एक्चुअली क्या है कि जब मैं लिखूंगा ना साइन एक्स जीरो तो वो एन पाई पे होता है, तो किधर क्या लिखूं मैं एक्जैक्टली तो उसके लिए वो इंटरवल कुछ कर्टेल कर देगा, ठीक है ना, उसकी चिंता करने की मैंने एक एग्जाम्पल के लिए ले लिया, लेट्स से वो इधर जीरो लिख लेगा इधर पाई बाय टू लिख लेगा, ठीक है क्लियर हुआ। तो बाय डिफॉल्ट जो भी लिमिट्स दी होंगी दे आर द वैल्यूज ऑफ इंटीग्रेटिंग वेरिएबल, एकदम दिमाग में बिठा लो अच्छे से। अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, कि एक्चुअली होता क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशन, और मैंने बोला भी था अभी हमने इट इज एलजेब्रिक एरिया, तो उसी के ऊपर अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखना नेक्स्ट पॉइंट द इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स, या फिर लिख लो डेफिनेट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स रिप्रेजेंट या फिर गिव्स एरिया, गिव्स एलजेब्रिक एरिया लिखो इधर, वर्ड यूज करो एलजेब्रिक एरिया, एलजेब्रिक एरिया बिटवीन द कर्व y is equal to f of x and x axis एक सेकेंड, द ए टू बी एफ एक्स डी एक्स किस एरिया बिटवीन द कर्व y is equal to fx and x axis and between the line and between the vertical lines and between the vertical lines x is equal to a and x is equal to b, जैसे फिजिक्स में भी तुम लोग देखते हो थोड़ा बहुत, ठीक है ना, ऐसा नहीं कुछ नया है। तो लेट्स से ये मेरा कर्व है y is equal to f of x और लेट्स से दिस इज माय वर्टिकल लाइन x is equal to a and this is the vertical line x is equal to b, तो उसने क्या बोला, और लेट्स से ये मेरा x एक्सिस है, ठीक है ना, x एक्सिस है, तो उसने बोला कि इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स क्या देगा, क्या बोला, एरिया बाउंडेड बाय, ऐसे लिख लो बिटवीन की जगह ऐसे लिख लो बाउंडेड लिख लो, गिव्स एलजेब्रिक एरिया बाउंडेड बाय कर्व y is equal to fx and x axis and between the vertical lines x is equal to a and x is equal to b, that means मैं शेड कर रहा हूं वो रीजन, ये है वो, दिस इज द एरिया इट विल गिव। अभी एलजेब्रिक वर्ड पे अंडरलाइन कर लेना, उस पर बहुत स्ट्रेस देने वाला हूं मैं, इस पे दिस इसको अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंटीग्रेशन डज नॉट सिंपली मींस एरिया, इट मींस एलजेब्रिक एरिया, एलजेब्रिक मतलब एरिया, एरिया मतलब क्या होता है, एरिया विथ साइन, ठीक है, अभी लिखवाता हूं, डोंट वरी, पहले इस पॉइंट को कवर कंप्लीट करते हैं। तो लेट द ए टू बी एफ एक्स डी एक्स गिव्स, क्या करेगा हमें वो एलजेब्रिक एरिया देगा बिटवीन द कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स एक्सिस एंड बिटवीन द वर्टिकल लाइंस एक्स इज इक्वल टू ए एंड बी, तो इन चार कर्व के द्वारा बाउंडेड एरिया क्या है, ये जो मैंने शेड किया दैट इज नथिंग बट दिस वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन, ठीक है, पॉज करो इसको कॉपी करो। अब मैं थोड़ा स्ट्रेस दे रहा हूं एलजेब्रिक एरिया पे, ठीक है ना, वही एक इसका मेन कोर पार्ट है, ठीक है ना, बहुत से बच्चे लोग इसमें गलती करते हैं क्योंकि वो एरिया की तरह इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है ना, मोस्टली तुम लोग फिजिक्स वगैरह पढ़ते होगे तो ऐसे बोलोगे जनरली मतलब कि इट इज एरिया, इट रिप्रेजेंट एरिया, बट दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग एक्चुअली, इट इज नॉट सिंपली एरिया, इट मीन्स एरिया विद साइन। अभी हम समझेंगे इसको क्यों, देखो ध्यान से, पहले तो लिख लो एलजेब्रिक एरिया मींस एरिया विथ साइन, एस आई जी एन, ठीक है ना, एरिया विथ साइन, दैट इज अब इसका मीनिंग क्या है, एरिया देखना ध्यान से सुनना, एरिया विल बी पॉजिटिव इफ एफ एक्स लाइज अबव एक्स एक्सिस बिटवीन द लिमिट्स ए एंड बी एंड ऑल्सो एक और चीज, दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, एक तो क्या कि एफ एक्स जो है कर्व जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा,
area will be positive if fx lies above x axis and between the limits a and b, and direction of integration is towards right. पहले लिख लो इसको, फिर अब समझते हैं इसको. पॉज करो और इसको लिख लो एक बार, फिर हम इसको समझते हैं. तो देखो क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी है, ठीक है ना, हैवी इंटरेस्टिंग, देखना भी मजा आएगा. उसने क्या बोला कि एल्जेब्रिक एरिया पॉजिटिव कब होगा, मतलब एल्जेब्रिक एरिया मतलब क्या है कि एरिया विद साइन. दैट मींस व्हाट, कि अगर मेरा कर्व, लेट से ये मेरा एक्स एक्सेस है. अच्छा चलो मैं एक काम करता हूं, केसेस बना के करता हूं. मैंने बोला लेट, इधर ऐसे लिख लो पहले इस ग्राफ के, पहले एक बार लिख लो ऐसे, फॉर ऑल द कर्व आई विल यूज दिस, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स ए टू बी, ठीक है ना. मैंने इसको आई मान लिया, ठीक है ना. अब मैं अलग अलग सिनेरियोस दे रहा हूं, जैसे कुछ में मैं क्या करूंगा, अपना कर्व को एक्स एक्सिस के ऊपर लूंगा, कुछ में नीचे लूंगा, कुछ में इंटीग्रेशन का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट लूंगा, कुछ में राइट टू लेफ्ट लूंगा, ठीक है ना. सो देयर विल बी टोटल फोर केसेस, ठीक है. तो देखो केस वन, जैसे मैंने ये लिया, समझना ध्यान से, लेट से ये एफ एक्स है मेरा और ये मेरा ए है, ये मेरा बी है. तो अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट एफ एक्स इज अबव एक्स एक्सिस एंड डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन इज ए टू बी, तो मतलब लेफ्ट से राइट है, मतलब राइट की तरफ मूव कर रहे हैं हम. तो ये जो एरिया होगा, लेट से इस एरिया का, ये एरिया की वैल्यू ए है, सो ना ए. देखो एक चीज और, एरिया जो है वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना. मैंने बोला इस जैसे इस व्हाइट बोर्ड का एरिया क्या है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ दैट हैज टू बी पॉजिटिव, एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. बट इंटीग्रेशन कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सुनना ध्यान से, इंटीग्रेशन कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कीप दिस इन माइंड. और हम देख रहे हैं ये चीज, मैंने बोला ये एरिया ए है तो, और अब मैंने बोला इस पर्टिकुलर केस के लिए माई ए विल बी इक्वल टू आई. द रीजन इज y is equal to fx जो है, जो मेरा curve y is equal to fx है, that is above x axis and the direction of integration is towards right. मतलब हम a से b की तरफ move कर रहे हैं, a से b की तरफ move कर रहे हैं, मतलब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं. तो ये चीज positive आएगी i, और a positive होता है तो a is equal to i. clear है? अब जैसे मैंने scenario 2 लिया, देखना मैंने क्या किया, curve को नीचे रख दिया, let's say this is fx और लिमिट्स तो वही हैं a टू b, यहां से यहां तक a टू b. अच्छा एक चीज और याद रखना, ठीक है ना, जैसे जब भी हम लिमिट्स लिखते हैं ना a टू b, इसका मतलब ये नहीं कि लोअर लिमिट हमेशा छोटा होगा. नाम लोअर है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोअर लिमिट हमेशा छोटा होता है अपर लिमिट से, ऐसा बिल्कुल नहीं है. देखो मैंने लिखा ना a टू b, a ग्रेटर देन b भी पॉसिबल है, a लेस देन b भी पॉसिबल है, a इक्वल्स टू b भी पॉसिबल है. तो कभी भी ऐसे मत सोचना कि a को लोअर लिमिट बोला है तो उसकी वैल्यू छोटी होगी, बिल्कुल नहीं. ऐसे मैंने लिखा, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx 2 से 1, विच इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ कोर्स करेक्ट स्टेट, इसमें क्या दिक्कत है, लोअर लिमिट बढ़ी है चलेगा, ठीक है ना. तो ऐसा मत सोचना कि सर आप a टू b इंटीग्रेट कर रहे हो तो मतलब a हमेशा छोटा होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना. हाँ हम वो इंटरवल जब लिखते हैं a कॉमा b किसी जगह, x बिलोंग्स टू a कॉमा b, तब जरूर a में a छोटा होगा, बिकॉज ऐसे लिखा है इसका मतलब a पहले आ रहा है b बाद में आ रहा है, ओपन इंटरवल a कॉमा b लिखा है, दैट मींस a इज लेस देन b. बट लिमिट्स में अगर मैंने ऐसे लिखा a टू b, दैट डजंट मीन कि a छोटा होगा, कीप दैट इन माइंड, ठीक है. अच्छा चलो हम इस पे आ रहे थे, तो लेट्स से अगेन ये मेरा एरिया मान लो मैंने a है, लेट्स से दिस एरिया इज a, तो मैं क्या लिखूंगा, a विल बी इक्वल्स टू इस पर्टिकुलर केस में माइनस ऑफ i, क्योंकि वो इंटीग्रेशन जो देगा i की वैल्यू जो होगी ना इस पर्टिकुलर केस में a टू b fx dx, That will be a algebraic area of this. मतलब मान लो इसकी वैल्यू लेट से टू, मान लो टू यूनिट्स है, टू यूनिट स्क्वायर इसका एरिया है, तो जो बेसिकली आई आएगा ना तुम्हारा इंडिकेट करने पे, वो माइनस टू आएगा. तो ए को मैं माइनस टू तो बोलूंगा नहीं, तो क्या लिखूंगा, a इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस टू, दैट इज प्लस टू. तो अगर बाउंडेड नीचे है ग्राफ तो मेरा क्या हो जाएगा, देखो डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन दोनों में ही अभी लेफ्ट से राइट की तरफ है, मतलब इंटीग्रेशन टूवर्ड्स राइट हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर है. चलो अब मैंने बोला केस थर्ड, तो पॉज करके कॉपी करते जाना जो मैं लिखवा रहा हूं. अब केस थर्ड क्या करते हैं, एफ एक्स को ऊपर लेने देते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करते हैं. मैंने बोला केस थर्ड या सिनेरियो थर्ड, लेट्स से कर्व तो मैंने ऊपर ही लिया एफ एक्स,
अब मैंने चेंज कर दिया डायरेक्शन इधर ए टू बी, तो अब देखो ये हो रहा है डायरेक्शन। तो देखो कोई भी एक चीज डिस्टर्ब करोगे, देखो एल्जेब्रिक एरिया पॉजिटिव का होता है, एफ एक्स ऊपर होना चाहिए एक्स एक्सिस के, प्लस डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन इज टुवर्ड्स राइट, उन दोनों में से कोई भी एक डिस्टर्ब हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, मतलब साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर ए, लेट्स से ये वाला एरिया अगर ए है तो मैं ए को क्या लिखूंगा, दिस विल बी माइनस ऑफ आई। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन जो मैं इसका ये निकालूंगा ना, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, दिस विल बी नेगेटिव। ठीक है, एफ एक्स ऊपर है अच्छी बात है, उसके कारण दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहां हुई, किसके कारण हुई, लिमिट इंटीग्रेशन इज टुवर्ड्स लेफ्ट नॉट टुवर्ड्स राइट, देयरफॉर इट इज नेगेटिव। तो फिर मैं क्या लिखूंगा, एरिया विल बी माइनस ऑफ आई। ऑफकोर्स अब फोर्थ केस अपने आप को समझ में आ गया होगा मैं क्या करवाने वाला हूं। अब क्या कर रहा हूं मैं, अब हम करेंगे कि एफ एक्स को नीचे ले लेंगे प्लस डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन भी रिवर्स कर देंगे, तो दो चीज चेंज कर देंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब थर्ड सिनेरियो इज कि मैंने एफ एक्स को भी नीचे ले लिया, लेट्स से दिस इज माय एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और लेट्स से इंटीग्रेशन भी मैं टुवर्ड्स लेफ्ट कर रहा हूं ए से बी, तो ये जो आएगा लेट्स से दिस एरिया इज ए, तो इधर जो मेरी इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी ये वाली दैट इज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, दिस विल बी पॉजिटिव, हेंस दिस विल डायरेक्टली गिव्स मी एरिया दैट इज ए इज इक्वल टू आई। क्लियर हुआ, देखो ठीक है ना, तो कहने का मतलब दो चीज पे निर्भर कर रहा है, एक तो एफ एक्स एक्स एक्सिस के ऊपर है प्लस लिमिट्स क्या है हमारी, टुवर्ड्स राइट है या लेफ्ट है। अगर एफ एक्स ऊपर है लिमिटिंग जो लिमिट्स है दैट इज इंटीग्रेशन इज टुवर्ड्स राइट, देन एरिया विल बी पॉजिटिव, इंटीग्रेशन विल बी पॉजिटिव। देखो एरिया तो पॉजिटिव ही होता है, ठीक है ना, बट एरिया पॉजिटिव होता है बट इंटीग्रेशन जो है दैट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है ना, तो इसलिए मुझे एडजस्ट करना पड़ा। जैसे पहले केस में क्या आया था, a इज इक्वल टू आई, और आखिरी केस में a इज इक्वल टू आई आया, और बीच के दो केस थे उसमें क्या हुआ था, सेकंड वाले में एफ एक्स हमने नीचे ले लिया था लेकिन इंटीग्रेशन टुवर्ड्स राइट हो रहा था, देन अगेन इंटीग्रेशन विल बी नेगेटिव बट एरिया पॉजिटिव होता है, तो कंपेंसेट कैसे करूंगा, a इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो एक आध केस और देखते हैं, इसमें मिक्स करके देखते हैं। अब मैं एफ एक्स ऐसा लेता हूं, कुछ पार्ट उसका एक्स एक्सिस के नीचे आएगा, कुछ एक पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा। ठीक है, तो लेट्स से मैंने बोला, लेट्स से ये सिनेरियो ले लिया, ठीक है, और लेट्स से ये मेरा आई है और ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, लेट्स से ये ए वन है ये ए टू है। अब बताओ आई ए वन ए टू में रिलेशन कैसे निकालोगे, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेके देखो, न्यूमेरिकल, जैसे मान लो ये वाला जो एरिया है, लेट्स से मुझे क्या करना है, a1 a2 और i में एक रिलेशन देखना, मतलब पॉजिटिव क्या इक्वेशन क्या बनेगी। तो लेट्स से ये एरिया 5 यूनिट्स है, ये वाला एरिया लेट्स से जो मैंने शेड किया अभी ये 3 यूनिट्स है, ठीक है, i मेरे को क्या देगा, i की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं a2 भी इंटीग्रेट करूंगा तो i विल बी व्हाट, प्लस का 5 माइनस का 3 दैट इज 2, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, दिस विल बी a2 माइनस ए वन, तो आई और ए में ये रिलेशन हुआ, ए टू को पॉजिटिव होगा ए वन नेगेटिव, मतलब एरिया तो पॉजिटिव होगा लेकिन इंटीग्रेशन के चलते ए टू का साइन में कोई दिक्कत नहीं होगी बट ए वन के कारण दिक्कत होगी, तो उसको क्या कर लेंगे माइनस ए वन। जैसे और सिनेरियो तो खुद से बना सकते हो, जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा, लेट से चलो ऐसे इतना लिख लिया, लेट से ये मेरा चलो उल्टा कर देता, ए इधर कर देते बी इधर कर देते हैं, और लेट से ये ए वन है ये ए टू है ये ए थ्री है, अब लिखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई। तो देखो अब ध्यान रखना कि डायरेक्शन उल्टी है, डायरेक्शन उल्टी है, इसका मतलब ये है कि ये मेरा जो है ए थ्री ये मेरा पॉजिटिव आने वाला है, नीचे वाला पार्ट पॉजिटिव आने वाला है, मतलब लेट से ये फाइव है ये लेट से थ्री है ये टू है, एरिया बोल रहा हूं मैं, तो इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा, आई क्या आएगा मेरा 5 के कारण पॉजिटिव बिकॉज डायरेक्शन भी उल्टा कर दिया हमने, ऐसा मत बोलना नीचे कर्वे तो इंटीग्रेशन नेगेटिव आएगा, नहीं 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 नहीं, लिमिट्स भी तो चेंज कर दी ना हमने, उल्टा कर दिया, डायरेक्शन इज टुवर्ड्स लेफ्ट, इसके कारण माइनस 3 और उसके कारण प्लस 2, तो आई तो ये देगा। अब मैं एडजस्ट कैसे करूंगा, आई इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू प्लस ए वन, दिस इज अ रिलेशन। आई होप समझ में आया होगा। तो दो चीज याद रखना, एफ एक्स अगर
ऊपर है x एक्सिस के, प्लस डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन इज टुवर्ड्स राइट, इंटीग्रेशन विल बी पॉजिटिव, मतलब एल्जेब्रिक एरिया आएगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। और एकदम दिमाग बिठा लेना, इंटीग्रेशन मींस एल्जेब्रिक एरिया नॉट सिंपली एरिया, और एल्जेब्रिक एरिया मींस एरिया विथ साइन, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। जैसे एक बार, जैसे एक बार एक बार एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा, ठीक है ना। जैसे मैंने तुम्हें बोला था ना अभी कि साइन एक्स का याद रखो 0 to π/2 या 0 to π, तो एक बार देख लेते हैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने लिखा 0 साइन एक्स डीएक्स 0 to π, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरिया बाउंडेड बाय वाई इक्वल टू साइन एक्स एक्स एक्सिस एंड बिटवीन द वर्टिकल लाइंस एक्स इज इक्वल टू 0 एंड पाई। दैट मींस व्हिच एरिया इट इज टॉकिंग अबाउट, दिस एरिया, दिस एरिया दिस इज टॉकिंग अबाउट। तो क्या करें, इसको ऐसे मत कर देना, मतलब दिस इज नॉट सेमी सर्कल, ठीक है ना। बहुत से लोग इसको सेमी सर्कल मानते हो, ये डायमीटर हो गया तो पाई आर स्क्वायर बाय टू वगैरह, वैसे नहीं करना है, ठीक है ना। दिस इज नॉट शेप ऑफ सर्कल, दिस इज साइनसोइडल कर्व, साइन कर्व है वो, ठीक है ना, दैट इज नॉट शेप ऑफ सर्कल। तो इसको, इसका क्या लिखूंगा मैं, ये हो गया माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to π, तो पहले पाई रखा तो माइनस ऑफ कॉस पाई विच इज 1, माइनस ऑफ 0 रखा तो माइनस 1, सो दिस इज 2। तो ये जो एरिया बाउंडेड आया दैट इज 2, और आना भी चाहिए था पॉजिटिव, पॉजिटिव आना भी चाहिए था, क्योंकि ये जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है साइन एक्स का कर्व, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज है ना वो थोड़ी और भी हमें हेल्प कर सकती है, ये वाला पॉइंट एल्जेब्रिक एरिया वाला। कैसे, कि मान लो तुम कोई फंक्शन, तुम डेफिनेट इंडिकेशन निकाल रहे हो किसी का, ठीक है ना। अगर मान लो तुम्हारा, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल से एग्जाम्पल लिया, लेट से e की पावर x dx वगैरह कुछ तो लिया मान लो, और तुमने सॉल्व किया कुछ तो और फंक्शन है मान लो, भले ये मान लो, और तुम्हारा नेगेटिव आंसर आ गया, तो नेगेटिव देखते से तुम्हें क्लिक कर जाना चाहिए कुछ तो गड़बड़ हुई है क्वेश्चन, मतलब हमने सॉल्व करते वक्त। द रीजन इज कि जो ये, अगर तुमने पहचान लिया कि ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है दैट इज अबव एक्स एक्सिस और इंटीग्रेशन इज फ्रॉम टुवर्ड्स लेट्स से लेफ्ट टू राइट, तो ये नेगेटिव आ ही नहीं सकता। द रीजन इज कि फंक्शन जो है वो पॉजिटिव फंक्शन है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर है कर्व और डायरेक्शन भी टुवर्ड्स राइट है, तो इट हैज टू बी पॉजिटिव। तो ये छोटी सी चीज है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कैन हेल्प यू टू फाइंड योर मिस्टेक्स, मतलब कि तुमने गड़बड़ की है कहीं, समझ में आ रहा है। चल छोटा सा पॉइंट था ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लो मैंने इधर 0 to 2π कर दिया होता तो क्या आता, देखो 0 to 2π साइन एक्स डी एक्स, तो अगेन माइनस कॉस एक्स लिखते, माइनस कॉस एक्स, फिर इंटीग्रेशन क्या करते 0 to π 2π, तो क्या आता कॉस 2π रखते तो 1, तो माइनस 1, माइनस ऑफ 0 रखते तो माइनस 1, दिस इज 0। तो अब क्या आ रहा है मेरा, क्या ये एरिया दे रहा है बाउंडेड, नहीं एरिया बाउंडेड थोड़ी दे रहा है, एरिया बाउंडेड तो 4 होगा, दिस गिव्स एल्जेब्रिक एरिया 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या, व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस, कि ये क्या होने वाला है, हो क्या रहा है सिनेरियो एग्जैक्टली, हो क्या रहा है कि ये अगर 2 है तो ये मेरा माइनस 2 है, तो एल्जेब्रिक एरिया 0 आ रहा है, वो ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एक दूसरे को कंपेंसेट कर रहा है, ठीक है। तो हमारा फिजिक्स वगैरह में भी यूज होता है ना ये सब, कि वो आई आर एम एस आई, वो एवरेज जब निकालते हैं तो ठीक है, जब भी हम साइन का एवरेज वैल्यू देखते हैं तो 0 to π में डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। बट अगर 0 to 2π करोगे तो एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगा, साइनसोइडल वेव आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी वगैरह करते हो ना तुम लोग, तो द रीजन इज कि इंटीग्रेशन एल्जेब्रिक एरिया देता है। तो हम 0 to पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए तो एरिया बाउंडेड 0 हो जाएगा, बिकॉज द रीजन इज एक्चुअली एरिया बाउंडेड इज नॉट 0, एल्जेब्रिक एरिया इज 0, एरिया बाउंडेड तो फिक्स होगा ना, एरिया बाउंडेड तो 4 होगा। अगर कोई बोले ना कि साइन एक्स, देखो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू तो 0 होगी पक्की बात है, वो हमने देख ली। बट अगर मुझे कोई बोलेगी, जैसे मान लो अभी हम नेक्स्ट हमारा चैप्टर आएगा एरिया बाउंडेड, तो अगर मैंने बोला कि व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू sin x एंड x एक्सिस बिटवीन 0 to 2π, सुनना चलो ऐसे लिख लो, मैंने बोला एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू sin x कॉमा x एक्सिस बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x is equal to 2π, the answer is not 0, the answer is 4. Area bounded तो क्या होगा, जो bound किया है इन सारे curves ने area, that is nothing but this area plus this area, ठीक है। But integration की value 0 आई, तो ये चीज दिमाग में अच्छे से बिठा लो, ठीक है ना। पहला lecture है अभी अपना, धीरे धीरे हम move करेंगे, but
ये छोटी सी बात है लेकिन मोटी बात है, ठीक है, कि इंटीग्रेशन क्या देता है हमें, एलजेब्रिक एरिया देता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं, कॉपी करते जाना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट इज, ये भी इंटरेस्टिंग है, छोटा सा पॉइंट है लेकिन इंटरेस्टिंग है बहुत। लुक एट हियर, मैंने बोला जो भी हमारा फोर्थ पॉइंट है, मैंने लिखा लेट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन बिटवीन, चलो एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन बिटवीन ए एंड बी लिख लो, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में वो फंक्शन कंटिन्यूस है। देन फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला इफ इंटीग्रेशन, सॉरी एफ नहीं, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स ए टू बी इज इक्वल टू जीरो, वॉट यू कैन कमेंट अबाउट द फंक्शन एफ एक्स। सोचो, अच्छा सा पॉइंट है ये, इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, बहुत छोटी सी चीज है लेकिन मजेदार पॉइंट है, मतलब इसका जो कंक्लूजन है वो बहुत अच्छी चीज है। सोचो क्या है, मैंने क्या बोला कि एक फंक्शन एफ एक्स है जो कंटिन्यूस है ए टू बी में, और दे दिया कि अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जीरो है, वॉट डज दिस मीन। सोचो, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बता रहा हूं, ठीक है। दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट, सुनना पहले, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो बिटवीन ए एंड, या फिर बिटवीन इन द इंटरवल ए कॉमा बी। समझ में आया क्यों बोल रहा हूं? देखो मुझे पता है ये क्या दे रहा है, बेसिकली दिस गिव्स एलजेब्रिक एरिया। अब एलजेब्रिक एरिया नेट जीरो है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एफ एक्स पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव भी होना पड़ेगा, या तो वो हमेशा ही जीरो रहे, हमेशा जीरो रहे तो देयर आर इनफाइनाइट रूट्स, या फिर अगर वो एक बार भी पॉजिटिव हुआ किसी भी पर्टिकुलर एक्स के लिए तो पॉजिटिव एरिया आ गया। अब नेट रिजल्टेंट जीरो चाहिए तो उसमें कुछ नेगेटिव ऐड करना पड़ेगा, इसका मतलब एफ एक्स को एक्स एक्सिस के नीचे जाना पड़ेगा। अब वो जंप भी नहीं कर सकता, द रीजन इज गिवन इज फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो इसका मतलब क्या है कि वो कम से कम एक बार तो एक्स एक्स को कट करेगा ही करेगा, और जैसे ही कट किया तो हमारे पास क्या आ गया, रूट आ गया। तो वही यही बोल रहा है कि इफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज जीरो एंड इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस देन डेफिनेटली इसका एक रूट एग्जिस्ट करेगा ए से बीच के बीच में, एटलीस्ट बोला है, देयर कैन बी नंबर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स बट कम से कम एक तो करेगा प्रोवाइडेड एफ एक्स इज कंटिन्यूस। क्लियर है? तो इसका भी एप्लीकेशन आ सकता है क्वेश्चन में, जैसे मान लो इंटीग्रेशन दे दिया जीरो तो हम मल्टीपल चॉइस में एक और ऑप्शन बना सकता है बस एडवांस में, ठीक है ना, इस पॉइंट के ऊपर। चलो नेक्स्ट पॉइंट, इसी के अंदर ये कॉमन रखना एफ एक्स कंटिन्यूस, इसी के अंदर फर्दर मोर पॉइंट्स, तो मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है, कॉपी करते जाना। लेट एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन ए क्लोज से बी क्लोज, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो then इंटीग्रेशन ए टू बी, ये तो वही पॉइंट है एक्चुअली, दोबारा लिखवा दिया, इज ग्रेटर देन जीरो। अगर फंक्शन पॉजिटिव है ए टू बी में तो क्या होगा, उसका इंटीग्रेशन भी पॉजिटिव होगा, तो इसमें तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, वही पहली वाली बात ही लिखी है। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, देखना वही एफ एक्स कंटिन्यूस है ए टू बी, और दे रखा है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड इफ ऑल्सो इफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स ए टू बी इज इक्वल टू जीरो दिस इंप्लाइज। अब बताओ, सोचो पॉज करके कि अगर एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है और उसने दे दिया कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज जीरो, देन वॉट इज द कंक्लूजन? चलो बताता हूं मैं, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है, जो कर्व है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, या तो एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा या एक्स एक्सिस ही होगा, मतलब नीचे नहीं जा सकता। अच्छा, नीचे नहीं जा सकता, कीपिंग दैट इन माइंड। और ये बोल रहा है कि एलजेब्रिक एरिया जीरो है, एलजेब्रिक एरिया जीरो है, नीचे जा नहीं सकता, इसका मतलब क्या है, वो पॉजिटिव भी नहीं हो सकता। द रीजन इज द पॉजिटिव अगर हो गया एक कुछ सेकेंड्स के लिए मान लो, तो उसको कम जीरो लाना है तो नेगेटिव की तरफ जाना पड़ेगा, बट उसने बोला नेगेटिव इज नॉट अलाउड, तो भाई फिर वो बोलेगा पॉजिटिव इज ऑल्सो नॉट अलाउड। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, एफ एक्स इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन एंड दैट इज जीरो, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एवरीवेयर, एवरीवेयर से मेरा मतलब ए टू बी। क्लियर हुआ?
तो ये भी एक अच्छा पॉइंट था, दिस एंड द फर्स्ट वन इज अ वेरी गुड पॉइंट. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. तो नेक्स्ट पॉइंट है इफ वेट एफ एक्स कंटिन्यूस है ए टू बी में, इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स देन इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज ग्रेटर देन इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स ए टू बी ए टू बी. मतलब एक तरीके से हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, सॉरी एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स, जैसे हम बोलते हैं ना टेकिंग लिमिट्स ऑन बोथ द साइड्स, तो इसी तरीके से वी कैन टेक, वी कैन से टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड. ऑफ कोर्स डिफाइंड होना चाहिए तभी ले पाएंगे, ठीक है ना. जरूरी है दो फंक्शन एक फंक्शन दूसरे से बड़ा हो तो उनका इंटीग्रेशन भी वैलिड हो, नहीं जरूरी नहीं है ना. इंटीग्रेशन वैलिड नहीं होगा हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं है. तो अगर एग्जिस्ट करता है तो पक्का एरिया बाउंडेड बाय एफ एक्स विल बी ग्रेटर देन एरिया बाउंडेड बाय जी एक्स. एल्जेब्रिक एरिया, नॉट एरिया, सिंपल एल्जेब्रिक एरिया, ठीक है. ऑफ कोर्स होगा भी, कैसे होगा कि एफ एक्स जी एक्स से बड़ा है, तो लेट्स से दिस इज माय एक्स एक्स, कलर चेंज करता है, मैंने बोला लेट्स से दिस इज माय एफ एक्स एंड लेट्स से दिस इज माय जी ऑफ एक्स और लेट्स से दिस इज ए टू बी. तो अब दिख रहा है जो जी एक्स जो ये वाली जो साइड आएगी दैट विल बी दिस एरिया, और ये वाली जो साइड आएगी उसमें ये एक्स्ट्रा पार्ट ये वाला आ जाएगा, ये वाला पार्ट. तो ऑफ कोर्स दिस इज ग्रेटर देन दिस, ठीक है. अब इसमें कहां हुआ कंफ्यूजन होता है बच्चों को थोड़ा सा, वो होता है कि अगर सर नीचे हो कर्व तो भी ये वैलिड है कि हाँ ये दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज वैलिड, भले एफ एक्स बिलो एक्स एक्सिस हो या ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर हो. अब देखते वो और समझ लेते हैं. जैसे मैंने बोला ये एक्स एक्सिस है, एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स मतलब एफ एक्स ये है तो जी एक्स ये होगा. दिस इज माई एफ एक्स, दिस इज माई जी एक्स, एफ एक्स ऊपर है जी एक्स के. तो क्या सर ये तो गलत हो गया ना. फिर कोई बोलता है कि सर अब तो एरिया एरिया बाउंडेड बाय जी एक्स ज्यादा होगा. एरिया बाउंडेड ज्यादा होगा लेकिन इंटीग्रेशन थोड़ी एरिया देता है, इंटीग्रेशन तो एल्जेब्रिक एरिया देता है ना. जैसे इसका मतलब क्या है सुनना ध्यान से, ये ए टू बी है तो एफ एक्स जो है वो ये इसका एल्जेब्रिक एरिया देगा और ये बिलो एक्स एक्सिस है, डायरेक्शन इज टुवर्ड्स राइट. सो दिस एरिया लेट से मैंने बोला माइनस टू है और ये पूरा एरिया लेट से चलो इसको और लिख लेते हैं और ये एरिया मैंने मान लो माइनस थ्री है. तो एरिया बाउंडेड बाय जी एक्स कितना होगा, मैं केवल एरिया बाउंडेड बोल रहा हूं. वो तो चलो ये टू की माइनस टू की माइनस थ्री लेते हैं तो कुछ और फिगर ले लेते हैं. मैंने बोला एरिया बाउंडेड बाय जी एक्स कितना होगा, फाइव होगा और एफ एक्स के द्वारा एरिया बाउंडेड बाय टू होगा. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. फिर कोई बोलेगा सर फिर ये क्यों गलत जब और ये हमें एरिया ही तो देता है. नहीं यही तो गलत है, एरिया थोड़ी देता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एल्जेब्रिक एरिया देता है. तो इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस फिगर क्या आने वाली है, माइनस टू और इस फिगर के हिसाब से इधर की वैल्यू क्या आएगी, माइनस फाइव. तो ऑफकोर्स माइनस टू इज ग्रेटर देन माइनस फाइव. क्लियर हुआ. तो अगर एफ एक्स डी एक्स से ऊपर है भले ही एक्स एक्सिस के नीचे हो चाहे ऊपर हो मैटर नहीं करता, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स विल बी ग्रेटर देन जी एक्स. एरिया बाउंडेड नहीं बोलूंगा मैं, एरिया बाउंडेड तो जी एक्स का ज्यादा है इस केस में पर्टिकुलर में जब नीचे कर्व है, बट इंटीग्रेशन की वैल्यू अभी भी वही ज्यादा रहेगी एफ एक्स की, ठीक है ना. तो द रीजन इज एफ एक्स वो इंटीग्रेशन जो होता है बेसिकली एल्जेब्रिक एरिया देता है, नॉट सिंपली एरिया. कीप दैट इन माइंड, नोट करके लिख लो उसको एक बार और, ठीक है ना. चलो अब इसके आधार पे एक छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं, देखना थोड़ा और फील आ जाएगा. मैंने बोला आई वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स डी एक्स जीरो टू पाई बाय टू और I2 बोला इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 साइन की पावर 4x dx. अब मुझे बताना है I1 बड़ा है I2, सोचो वीडियो पॉज करो जस्ट थिंक इट. I1 बड़ा है I2, तो I1 बड़ा है I2 इसका मतलब हम देख लेते हैं अंदर फंक्शन कौन सा बड़ा है, ठीक है ना. जो बड़ा होगा वो जीतेगा, मतलब उसका उसका वैल्यू ज्यादा होगा कहने का मतलब. तो अब जो साइन साइन की साइन एक्स है जीरो टू पाई बाय टू में मुझे पता है कि जो साइन एक्स है दैट इज नथिंग गिव्स फ्रैक्शन, दैट इज अ फ्रैक्शन, दैट इज अ फ्रैक्शन वैल्यू. और अगर मैं किसी फ्रैक्शन की पावर बढ़ाता हूं तो उल्टा वैल्यू छोटी होती है. जैसे वन बाय टू की पावर टू लिखा और एक वन बाय टू की पावर थ्री लिखा, तो ऑफकोर्स वन बाय टू की पावर थ्री इज लेस बिकॉज वो होगा वन बाय एट और ये वन बाय फोर. तो कहने का मतलब लिख सकता हूं, इससे मैं ये रिजल्ट लिख सकता हूं कि साइन की पावर क्यूब एक्स इज ग्रेटर देन साइन की पावर फोर एक्स फॉर
x belongs to कुछ भी ले लो, बट इधर दिया है तो 0 टू पाई बाय 2 ले लो, बट दिस इज ऑलवेज करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, नॉट ऑलवेज करेक्ट, मैं मतलब इस इंटरवल के लिए करेक्ट है. ठीक है ना, नेगेटिव होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब x x अगर मान लो मैंने पाई से 3 पाई बाय 2 ले ले तो गड़बड़ हो जाएगा. लेकिन फॉर टाइम बीइंग अभी जो क्वेश्चन में लिमिट दिए उसके अकॉर्डिंग उस इंटरवल में साइन क्यूब एक्स हमेशा साइन की पावर 4x से बड़ा होगा. द रीजन इज क्या बोला मैं, जो साइन एक्स है दैट इज अ फ्रैक्शन क्वांटिटी, पावर बड़ा होगा तो उल्टा वैल्यू छोटा हो जाएगा. तो अब मैंने दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लिया, इंटीग्रेशन तो ले सकते हैं, ये लिखा एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स, तो इंटीग्रेशन एफ एक्स ग्रेटर देन इंटीग्रेशन जी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2. तो आंसर क्या मिलेगा इस पर्टिकुलर केस में, आई वन इज ग्रेटर देन आई टू. क्लियर है, और ले लेते हैं जिसमें लिखा आई वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाय 4 से पाई बाय 3 टेन क्यूब एक्स डी एक्स, और आई टू लिया मैंने इंटीग्रेशन पाई बाय 4 से पाई बाय 3 टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स. अब बताओ, अब बताओ I1 बड़ा हो या I2, तो दोनों तो देखो लिमिट सेम है, लिमिट सेम है, लिमिट में कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन मेरा डिफरेंट है, बट अब लिमिट्स देखो पाई बाय 4 से पाई बाय 3 है, तो मुझे पता है पाई बाय 4 से पाई बाय 3 जो 10x होता है दैट इज ग्रेटर देन 1, यू कैन सी 10 पाई बाय 4 1 होता है, 1 के पाई बाय 4 के बाद 10x की वैल्यू जो होती है दैट इज ग्रेटर देन 1. पाई बाय 4 से पाई बाय 3 के बीच में इन दैट इंटरवल 10x इज ग्रेटर देन 1. अब 10x ग्रेटर देन 1 है तो पावर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, वैल्यू बढ़ेगी, तो इसका मतलब 10 क्यूब एक्स क्या होगा, 10 क्यूब एक्स इज ग्रेटर देन 10 स्क्वायर एक्स. फॉर दिस इंटरवल ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट पाई बाय 4 से पाई बाय 3 एंड पाई बाय 4 से पाई बाय 3, सॉरी पाई बाय 4 से पाई बाय 3, इस दिस इंटरवल आई एम टेकिंग सेइंग कि 10 क्यूब एक्स ज्यादा होगा 10 स्क्वायर एक्स से. द रीजन इज 10x इज अ ग्रेटर देन 1 आफ्टर पाई बाय 4, तो उसका इंटीग्रेशन भी ज्यादा होगा, तो आंसर क्या मिलेगा, आई वन इज ग्रेटर देन आई टू. अगर मान लो इसी में तुमने थोड़ा सा और चेंज किया ना, जैसे मान लो, सुनना ध्यान से सुनना एक मिनट के लिए, अगर मान लो इसका आंसर तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये आ गया, अगर मान लो मैंने इधर चेंज किया थोड़ा सा, लेट्स से मैंने इसको पाई बाय 6 कर दिया, सुनना ध्यान से, क्या मैं डायरेक्टली बता पाऊंगा, तुम सोचो क्या मैं अब डायरेक्टली आंसर बता पाऊंगा, द रीजन इज नो, द रीजन मतलब आंसर इज नो, डायरेक्टली वी कैन नॉट टेल नाउ. क्यों भाई ऐसा क्यों, इसका रीजन ये है कि जो पाई बाय 4 पे ना, पाई बाय 4 के बाद तो ये ज्यादा बड़ा होगा, पाई बाय 4 के पहले ये ज्यादा बड़ा होगा, द रीजन इज पाई बाय 4 के पहले 10x इज फ्रैक्शन. तो अब हमें प्रॉपर मैग्नीट्यूड देखना पड़ेगा कि भाई कौन ज्यादा हो रहा है, इतना पता है कि जैसे मैंने क्या बोला पाई बाय 6 से पाई बाय 4 तो I1 ग्रेटर देन होगा, I1 ग्रेटर देन I2 होगा, और पाई बाय 4 से पाई बाय 3 जो होगा तो I2 ग्रेटर, सॉरी ये उल्टा लिख दिया, I2 बड़ा होगा I1 से, बिकॉज पाई बाय 6 से पाई बाय 4 फ्रैक्शन होगा तो पावर छोटी होगी, पावर छोटी इधर है 10 स्क्वायर एक्स है, और इसमें क्या होगा I1 ग्रेटर देन I2 होगा. तो ओवरऑल हम डायरेक्टली कमेंट तो नहीं कर सकते, फिर तो हमें प्रॉपर इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी. तो क्या करेंगे, हम इसको इंडेफिनेट की तरह सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, फिर मैग्नीट्यूड चेक करेंगे कौन ज्यादा है कौन कम, तो डायरेक्टली तो नहीं निकालेंगे. क्लियर है, चलो तो एक क्वेश्चन और देख लेते छोटा सा इसी के ऊपर. अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं, फंक्शन सेम ले लेते हैं, लेट मी टेक द फंक्शन सेम और लिमिट चेंज करते हैं. देखना ध्यान से, मैंने लिखा पाई बाय 3 से पाई बाय 2 कॉस एक्स की पावर 5 डी एक्स, दिस इज माई आई वन, एंड लेट से आई टू इज इक्वल टू पाई बाय 3 से पाई कॉस की पावर 5x dx. अब सुनना ध्यान से, अब वो चीज नहीं है एफ एक्स जी एक्स वाला नहीं, अब मतलब जो अब सिंपल आई क्यू से करना है. अब इससे दोनों, इससे पहले वाले दोनों क्वेश्चन में क्या था हमारा, लिमिट्स सेम थी, फंक्शन डिफरेंट था, अब इधर उल्टा कर दिया, फंक्शन सेम है तो फंक्शन सेम है तो अच्छी बात है, ये तो और आसान है एक्चुअली उससे, प्रीवियस वाले से. कैसे आसान है देखना, ये पाई बाय 3 नहीं पाई बाय 2, पाई बाय 4 नहीं पाई बाय 2 है, ठीक है. अब सुनना ध्यान से, मैंने बोला पाई बाय 3 से पाई बाय 2 दिस इज अ पॉजिटिव फंक्शन, कॉस एक्स पॉजिटिव होता है तो ये तो कुछ वैल्यू देगा, लेट से मान लिया मैंने मान लिया एक मिनट के लिए 3 by 3 कुछ भी मान लिया, लेट्स से अल्फा दे दिया, वेयर अल्फा इज पॉजिटिव. व्हाट अबाउट दिस,
तो देखो इसका मतलब क्या, देखो आप ये क्या हो रहा है बेसिकली, पाई बाय थ्री से पाई बाय टू तो ये पॉजिटिव देगा, उसके बाद पाई बाय टू से पाई, सिंस पावर इज ऑड कॉस एक्स का, सो दिस विल बी नेगेटिव। तो कुछ पॉजिटिव क्वांटिटीज में से जो ये वाली जो पॉजिटिव क्वांटिटी वो तो आएगी आएगी इसमें पाई बाय थ्री से पाई बाय टू, बट पाई बाय टू से पाई कुछ नेगेटिव और एड हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, आई वन विल बी ग्रेटर देन आई टू, समझ में आया, क्योंकि पाई बाय टू से पाई बाय थ्री, सॉरी पाई बाय टू से पाई ये क्वांटिटी नेगेटिव है ना, तो पॉजिटिव, देखो पहले तो मैंने बोला इसको पाई बाय थ्री से पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू से पाई, फिर मैंने बोला पाई बाय थ्री से पाई बाय टू, तो दोनों चीजें सेम है, ठीक है ना। अब इसमें क्या किया, और नेगेटिव क्वांटिटी कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दी, दैट मींस व्हाट, आई वन बड़ा होगा आई टू से, क्लियर है। चलो तो आज के लिए फिर अपन इतना ही रखते हैं, ठीक है ना, आज पहला लेक्चर है डेफिनेट का, थोड़ा स्लोली स्लोली मूव करेंगे, और तुमसे मैंने बोला भी था तुम लोगों को कि जो भी क्वेश्चंस तुम्हें लगता है मतलब यू वांट इन वीडियो लेक्चर्स सो यू कैन पोस्ट मी, बट आई थिंक किसी का नहीं आया रिस्पॉन्स कि किसी को कोई ऐड करवाना हो वीडियो लेक्चर में, तो इट इज़ अप टू योर विश। और मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चंस भी दिए थे तुम लोगों को, उसमें भी अगर तुम्हें लगता है कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन तुम्हें क्लास में मतलब वीडियो लेक्चर्स में ऐड करवाना है, सो लेट मी नो, ठीक है। वैसे मैं आज सोचा था, टारगेट लेके आया भी था दो क्वेश्चंस, बट टाइम हो गया है काफ़ी, तो मैं उसको कल के लेक्चर में ऐड करूंगा। और ये तो तुम लोग को मैंने जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस दिए थे, देवर ऑल ऑफ गुड लेवल, मतलब वो बेसिक ऐसा नहीं कि बिल्कुल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो, ठीक है ना, ऑफकोर्स मेंस लेवल के नहीं बोलूंगा, मेंस से ऊपर लेवल के क्वेश्चन है, तो बट हाँ ऐसा है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर काफी काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स भरे हुए हैं, तो एक क्वेश्चन भी क्लियर होगा तो तुम्हारी काफी थियरी रिवाइज होगी कॉम्प्लेक्स की। तो मैंने देखा कॉम्प्लेक्स में मुझे लगता है दो या तीन ही लोग एक्टिव थे, मतलब मोहम्मद और अविराज आई थिंक, उसके बाद तीसरा कोई पर्सन नहीं था जिसने मुझे पोस्ट करके पूछा पिंग करके कि सर इसका आंसर क्या है या फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्सेप्ट दीज टू, इसमें भी मोहम्मद ज्यादा एक्टिव था, रविराज भी कभी कभी एक्टिव होता है, बट अबाउट अदर्स आई डोंट नो। और इससे पहले भी मैंने तुम लोगों को बीच में प्लान भी बनाया था रिविजन के लिए थोड़ा थोड़ा, मैंने कहा था पांच पांच क्वेश्चन, दस दस क्वेश्चन यू ट्राई, पांच क्वेश्चन दस भी नहीं बोला था, ओनली फाइव क्वेश्चन पर डे बोला था, उसको भी सर्कल और स्ट्रेट लाइन तक खत्म हो गया, उसके बाद जोश खत्म हो गया तुम लोगों का, तुमने उसके बाद फिर मैंने इलिप्स का इस पैराबोला का किसका दिया था, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है तुम्हारी मर्जी है, बट करोगे मेहनत तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो ठीक चलता रहेगा जो चल रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए तो एंड अप करता हूँ मैं लेक्चर को, फिर हम कल मिलेंगे, दैट्स इट, थैंक यू।